हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम सही है। और ये देखिए, कट्टे पकड़ रखे हैं, कट्टे लेके जा रहे हैं हम अपने रेता को भरने। यहाँ से सड़क काफ़ी दूर है, लगभग 3-4 किलोमीटर तो जाएंगे वहाँ पे। तो देखिए, अभी शाम भी होने वाली है, सूर्य सनसेट भी होने वाला है। तो चलो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय, मेरा नाम है सुभाष रावत, गांव का नाम है परवाड़ी। और हम देखिए, जो समर कैपिटल है वो भी हमारे पास ही में है। तो दिखाएंगे आपको थोड़ा नज़ारा। और ये देखिए पूरे जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये देखिए सारे इनमें जो खेत दिख रहे हैं, ये पूरे इनमें गेहूँ बो रखे हैं। और क्या हरे हरे खेत दिख रहे हैं आपको। और जो लास्ट बिल्डिंगें दिख रही है वो विधानसभा की ही बिल्डिंगें हैं। और आगे चलते हैं। अभी लगभग जो सामने धार दिख रही है आपको, वहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे चलना है हमको। और देखिए क्या हरे भरे खेत दिख रहे हैं। और रास्ता एकदम मस्त यहाँ पे। तो चलते हैं आगे आगे, फिर दिखाएं गांव से थोड़ी आगे आ रखे हैं। और जो दूर दूर तक देखिए आपको, ये पेड़ों में हरियाली दिख रही होगी अलग ही, क्योंकि आजकल पुराने पत्ते सारे झड़ के नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, गाइस धीरे धीरे आगे को जा रहे हैं हम लोग नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ देखिए। और फिर से ये हम एक नई सीमा में जाएंगे। यहाँ से जो ये दिख रहा था आपको, ये देख लीजिए, काफ़ी भारी चढ़ाई थी। और ये देखिए, वो दूसरी तरफ भी गेहूँ के खेत है। और यहाँ भी पूरे खेतों में गेहूँ बो रखे हैं। तो ये देखिए, अभी तो काफ़ी हरे हो रखे हैं। और 1-2 महीने बाद मतलब एकदम पक्के तैयार हो जाएंगे गेहूँ। और उसके बाद उनकी कटाई होती है, फिर मंडाई होती है, और फिर उनको एक तरफ साफ़ किया जाता है, दाना एक तरफ किया जाता है, और जो भूसा होता है वो एक तरफ किया जाता है। और जो इनपे ये होता है उसको, जो एक घास से अलग ही है तो उनको भी अलग किया जाता है। ये देखिए क्या प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं उनमें खेतों में। चलते हैं धीरे धीरे आगे को। और अभी 2 किलोमीटर और आगे जाना है ये कट्टे लेके। तो गाइस फाइनली मतलब सड़क ना होने का मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देख लीजिए, अगर सड़क होती तो हमको मतलब इतना दूर भी नहीं जाना पड़ता। और फिर एक्स्ट्रा जो लगता है उसमें रुपया जो भी है, और फिर अपनी मेहनत कट्टे भरो फिर खाली करके, और फिर मतलब वैसे भी भाई जो किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसमें भी यहाँ पे मतलब रोड तक उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, ये कुछ व्यू है, देखिए यहाँ से दिखाएंगे आपको पूरा। जा रहे हैं हम आगे को। और जो खच्चर का रास्ता है वो यहाँ से नहीं होता है, वो जो देखिए आप गौशाला है वहाँ से मुड़ के जाते हैं, वहाँ से होके दूसरे रास्ते से। तो बहुत जल्दी हम सड़क क्रॉस करेंगे जो आ रही है, बन रही है, और उससे भी आगे जाएंगे। जो खच्चरों का रास्ता है वो यहाँ से होके जाता है, यहाँ से तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से देखिए भरे खेत पड़े हुए हैं। और फिर मतलब रास्ता भी अच्छा है नहीं, ये देखिए यहाँ पर खिसक रखे हैं पत्थर सारे। और तो गाइस ये देखिए, पहुंच चुके हम सड़क पे।
यहाँ से अभी तो टाइम लगेगा इसमें 2 से 2.5 साल तक रिपेयर होने में। और जो आपको दिख रही है वो विधानसभा की बिल्डिंग है, और वहीं पे मेन सड़क है जो विधानसभा हाईवे रोड है। तो वहाँ से देख के, यहाँ से घूम घूम के सड़क आती है, और फिर भी लगभग बहुत ज़्यादा लॉन्ग आ रही है सड़क, घुमाव आ रहा है बैंडों में। वो देखिए, और यहाँ से एक बैंड होगा लगभग ही 800 मीटर तक की दूरी पे, और दिखाएंगे आपको अगर टाइम मिलता है पूरा तो हमको। और ये देखिए, ये गांव यहाँ से कितना दूर है, काफ़ी दूर। और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वो बीच सेंटर है, और दिखाएंगे आपको जहाँ मुझे जाना है, जहाँ जाना है वहाँ अभी इससे भी दूर। और वहाँ से खच्चर लेके आते हैं सामान को, कुछ ज़्यादा भारी होते हैं तो। और ये देखिए वो दूर जो बिल्डिंगें दिख रही है आपको, उससे भी दूर जाना है। तो यहाँ पे रास्ता फिलहाल तो ठीक ही है, चलते हैं आगे आगे। गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि जाड़ों का सीजन कट गया, गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है। और जो ये दिख रहा है इसको तो रामबाड़ बोलते हैं, और मतलब ये काफ़ी, मतलब ये देखिए, मतलब जो होते सिक्योर दीवार की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं से सेफ है, काफ़ी सेफ है, कोई जा भी नहीं सकता, घुस भी नहीं सकता बाउंड्री के अंदर। और वैसे तो पता नहीं, पर गढ़वाल में हम रामबाड़ी बोलते हैं तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। और ये देखिए काफ़ी सिक्योर, नहीं तो दीवार, बड़ी दीवार की ज़रूरत होती है इस साइड भी, जैसे इस तरफ हो रखी है। तो फिर भी इधर मतलब देखिए लूजी दिख रहा है, और इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। तो ये है इसका कमाल, कुछ घुस भी नहीं सकते, कोई घुस भी नहीं सकता, जानवर भी नहीं घुस सकते। गाइस ये देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं हम आगे को, और ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा ये चारा गया है गाय भैंसों का, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको काफ़ी दूर तक है एरिया चारा गया गाय भैंसों का। और जो ये सड़क है ये देखिए, ये जो मकान दिख रहे हैं उसी के पीछे सड़क है, और वहाँ से ये देखिए, और यहाँ पे आने में, पैदल आने में कोई टाइम नहीं लग रहा। और देखिए जो मोड़ जा रहा है उसका, ये मतलब ये देखिए जो वहाँ से, और जो मकान पे, ये देखिए यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो ये सड़क दिख रही है और मकान पे वो नीचे दिख रही है, वहाँ से कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, मतलब दिन में होगा 10 मीटर का फर्क होगा लगभग पैदल। और वो देखिए उधर जो मोड़ जा रहा है लगभग 500 मीटर से ज़्यादा जा रहा होगा। तो मतलब जैसा भी है तो ठीक है, सड़क बन जाए एक बार तो वही सही रहेगा। और ये देखिए इस चारागाह के ऊपर विधानसभा जो बिल्डिंगें दिख रही है आपको, पूरी सड़क से ऊपर, रोड से ऊपर। और ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे बस्ती है इनकी, यही सड़क में काम करते, रोड पे काम करते हैं। और ये देखिए इस तरह से रहते हैं, आजकल तो सही है इनका, लेकिन ठंडियों में जब बर्फ गिर होगी तो कैसे हालत होगी इनकी। देख रहे ये सारी जो झुगियाँ हैं, ये इनकी जो मजदूर है यहाँ पे जो रोड बना रहे हैं, और यहाँ तक तो पूरा फाइनली आ रहा है डम्फर। लेकिन पास ही में सड़क है, और यहाँ पे उतारेंगे इस साइड में तो चोरी की भी डर है, तो इसलिए मेन रोड पे उतार के रखा है। लगभग यहाँ से 50 या 100 मीटर की दूरी पे रोड है, तो वहाँ से मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, टाइम लग जाए लेकिन। और एक करमट बन रखा है, बाद में सही हो जाएगा, मतलब जब सारे करमट और रोड बन जाएगी अच्छी ढंग से। तो ये देखिए जहाँ पे ये मकाने दिख रही है
वहाँ पे मेन रोड और वहीं पे है हमारा सामान, और जो यहाँ पे दिखाएंगे आपको क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे टूर्नामेंट भी होते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो जा रहा हूँ मैं अभी, ये पेड़ के इधर, ये छक्के की बाउंड्री, छक्के चौके की, आप तो सड़क भी कट गई, अब सड़क के तक लगभग बाउंड्री है। और यहाँ पे चारागाह भी है, और ये देखिए भैंस भी चल रही है। आजकल तो कोई खेल नहीं रहा यहाँ पे क्रिकेट, लेकिन सीजन पे खेलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, और जो पिच है वो ये देखिए, ये क्या शानदार पिच है ये। और उधर मकान के पीछे छक्के की चौके की बाउंड्री कभी कभार बढ़ा दी जाती है, रोड़ी करा जाता है। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं, और फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। और ये हमारी गिट्टी जो आ रखी है उतार के यहाँ पे, ये और यहाँ से देखिए, और जो रहता है वो उधर पे पहुंच चुके हैं, और आधा रेता भर लिया है, जा चुका है लगभग 250 कट्टे, और यहाँ से भी लगभग 50-60 कट्टे निकलेंगे तो भरेंगे इसको। अब पहले लेके आते हैं बेलचा। और गाइस कट्टे भरते भरते रात हो गई, और ये देखिए 30 कट्टे हैं और 10 कट्टे हैं, टोटल मिला के 40 है, लगभग एक मिस हो गया है, लेकिन 39 हैं पूरे कट्टे। और अब चलते धीरे घर को। और गाइस फाइनली काम मतलब कट्टे भरते भरते रात हो चुकी है, और अब चलते हैं धीरे धीरे घर को। अभी तो बहुत तेज जाना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी है। तो ये देखिए फिलहाल ये नाइट व्यू, और ये देखिए यहाँ पे रहते हैं जो मतलब हमारे गांव में सड़क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।